हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गैजेट्स बाय एमजे में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको 5 बजट स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर आपको गेमिंग फोन से लेकर कैमरा फोन और बैटरी फोन तक देखने को मिलेंगे। यानी कि इन 5ों फोनों के अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, चाहे वो गेमिंग हो या फिर बैटरी या फिर कैमरा। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि आते हैं 10,000 रुपये प्राइस पॉइंट पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस लिस्ट के अंदर आपको नए फोन ज्यादातर देखने को मिलेंगे जो कि 2021 के अंदर लॉन्च हुए हैं। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं गैजेट्स बाय एमजे। दोस्तों, 5वें नंबर पे हमारा स्मार्टफोन आता है नार्जो 38। और इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक का G85 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है और यह 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही इसके अंदर आपको 270 पर पिक्सल इंच भी देखने को मिलता है। अगर इसके कैमरे के बारे में बात करूँ तो ड्यूल कैमरा सेटअप इसके अंदर देखने को मिलता है। 13MP का एंगल कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। सेल्फी के अंदर 8MP कैमरा देखने को मिलता है और इस स्मार्टफोन से आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात करूं तो इसके अंदर आपको 6000mAh का बैटरा देखने को मिलता है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। अगर इसके कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बात करूं तो यह स्मार्टफोन ड्यूल सिम है और 4G स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, लाइट सेंसर देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमिटी और एक्सेलेरोमीटर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको कंपास और जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलते और यह स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये का देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसके अंदर आपको बैटरी अच्छी मिले और साथ ही परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले तो इस स्मार्टफोन को आप परचेज कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन की कमियों की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जायरोस्कोप और कंपास सेंसर नहीं देखने को मिलते हैं, साथ ही कैमरा भी डिसेंट देखने को मिलता है और डिस्प्ले भी आपको डिसेंट देखने को। लेकिन इसके प्राइस को देखा जाए तो फिर भी यह स्मार्टफोन काफी अच्छे परफॉर्मेंस और काफी अच्छी बैटरी के साथ आता है, इसलिए यह हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पर है। और नंबर 4 पर दोस्तों दो स्मार्टफोन आते हैं, पोको M3 और Redmi 9 Power। आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके अंदर आपको Snapdragon 662 चिपसेट देखने को मिलता है और यह आते हैं 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, जिसको आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और डिस्प्ले की बात करें तो इनके अंदर आपको 6.53 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आती है 395 पर पिक्सल इंच के साथ। और इसके अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। और कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48MP का वाइड एंगल कैमरा, 2MP का मैक्रो डेप्थ सेंसर देखने को मिलते हैं। फ्रंट के अंदर 8MP कैमरा देखने को मिलता है, वह भी वाइड एंगल कैमरा है और इस स्मार्टफोन से आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 6000mAh का बैटरा देखने को मिलता है, जो कि आता है 18W फास्ट चार्जिंग के साथ। और कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल सिम देखने को मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप दूसरी तरफ जा सकते हो, यानी कि Redmi 9 Power की तरफ जा सकते हो। इसके अंदर आपको जायरोस्कोप सेंसर भी देखने को मिलता है और साथ ही इसके अंदर आपको एक लेंस ज्यादा भी देखने को मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। बाकी सभी चीजें दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम देखने को मिलती है। और दोस्तों, इनकी स्पेसिफिकेशन सेम है तो इसके प्राइस भी आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। यह दोनों स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर 10,999 रुपये के देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों इनकी कमियों के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको यह गेमिंग प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता। इस चिपसेट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बैटरी अच्छी देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी, ज्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। और इन स्मार्टफोन के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऐड भी देखने को मिलती है और इसी कारण यह हमारे इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नंबर 3 पर आता है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 10। और इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करो तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलोइन G85 चिपसेट देखने को मिलता है। यह स्मार्टफोन आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। अगर डिस्प्ले की बात करो तो इसके अंदर आपको 6.82 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आती है 263 पर पिक्सल इंच के साथ। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अगर इसके कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48MP का वाइड एंगल कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको क्वाड LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रंट के अंदर 8MP कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है और ड्यूल LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। साथ ही आप इस स्मार्टफोन से फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6000mAh का बैटरा देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती। और कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल सिम देखने को मिलती है, जो कि 4G स्मार्टफोन है
लाइट सेंसर, प्रोक्सीमिटी सेंसर, एक्सोमीटर, जायरोस्कोप देखने को मिलते हैं, साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन की कमियों के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको कंपास सेंसर देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले भी आपको ज्यादा क्लियर देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर बिग डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी हम एवरेज बोल सकते हैं। और इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, साथ ही बिग बैटरी भी देखने को मिलती है और इसके अंदर आपको अच्छी साउंड क्वालिटी भी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो यह आपको फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपए का देखने को मिलता है और इसी के कारण यह स्मार्टफोन इस लिस्ट के अंदर तीसरे नंबर पर आता है। अब बात करें नंबर दो पर, तो यहाँ पर भी दो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन आपको सेम देखने को मिलती है, बस हल्का फुल्का फर्क देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ पोको M2 और Redmi 9 Prime के बारे में। अगर मैं बात करूँ Xiaomi Redmi 9 Prime के बारे में तो इसके अंदर आपको MediaTek Helio G80 चिपसेट देखने को मिलता है और यह स्मार्टफोन 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसको आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। अगर बात इसकी डिस्प्ले की करें तो इसके अंदर आपको 6.53 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आती है 395 पर पिक्सल इंच के साथ और इसके साथ ही इसके अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, साथ ही इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। और कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 13MP का वाइड एंगल कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। सेल्फी के अंदर 8MP कैमरा देखने को मिलता है और इस स्मार्टफोन से आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 5020mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। यह स्मार्टफोन आपको ड्यूल सिम देखने को मिलता है, साथ ही वाटर रेसिस्टेंट भी देखने को मिलता है। और अगर सेंसर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सभी सेंसर देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, लाइट सेंसर, प्रोक्सीमिटी, एक्सोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप सेंसर। दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ पोको M2 की तो इसके अंदर भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, बस आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। एक तो बैटरी जो है वो 5000mAh की है और दूसरा उस स्मार्टफोन के अंदर जायरोस्कोप देखने को नहीं मिलता, बाकी सभी फीचर्स दोनों स्मार्टफोन के सेम हैं। और इन दोनों स्मार्टफोन की कमियों की बात करूँ तो इनके अंदर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि इनके अंदर G80 चिपसेट देखने को मिलता है और इनके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऐप भी देखने को मिलेंगी। अगर दोस्तों प्राइस के बारे में बात करूँ तो पोको M2 आपको 9,999 रुपये का देखने को मिलता है और Redmi 9 Prime आपको 10,450 रुपये का देखने को मिलता है और यह दोनों ही स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों जिस चीज का इंतजार था वह समय आ चुका है। दोस्तों 10,000 रुपये प्राइस पॉइंट पर हमारा नंबर वन पर स्मार्टफोन आता है टेक्नो पोवा 2 और इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसके अंदर आपको 6.95 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके साथ ही इसके अंदर आपको 1080x2400 पिक्सल भी देखने को मिलते हैं, 387 पर पिक्सल इंच देखने को मिलते हैं और यह डिस्प्ले आपको बेजल लेस विद पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही इसके अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 480 nits ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। ये तो बात हो गई इसकी डिस्प्ले की। अगर इसके कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48MP का प्राइमरी कैमरा जो कि आता है 10x डिजिटल जूम के साथ। इसके साथ ही यह स्मार्टफोन क्वाड LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। सेल्फी के अंदर 8MP कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही यह ड्यूल LED फ्लैश लाइट के साथ आता है और बाकी के तीनों कैमरे आपको 2MP के कैमरे देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको डेप्थ और मैक्रो सेंसर देखने को मिलते हैं और इस स्मार्टफोन से भी आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको MediaTek का G85 चिपसेट देखने को मिलता है और मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन अब बता रहा हूं कि यह चिपसेट 12nm फैब्रिकेशन पर रन करता है और साथ ही Android 11 के साथ देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको 6GB रैम 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और बस दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको बैटरी का बाप देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर आपको 7000mAh का बैटरा देखने को मिलता है जो कि 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और इसके कॉमन फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल सिम देखने को मिलती है और यह स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन है, साथ ही वोल्टी को भी सपोर्ट करता है। और सेंसर्स की बात करें तो लाइट सेंसर, प्रोक्सीमिटी सेंसर, एक्सोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही आपको वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिलता है। और इसके प्राइस की बात करूं तो यह आपको अमेजोन पर 10,499 रुपए का देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन की कमियों की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको कमियां देखने को मिलती है, यानी कि इसके अंदर आपको कैमरा थोड़ा डिसेंट देखने को मिलता है और स्मार्टफोन के अंदर आपको प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिलते हैं। और दोस्तों स्मार्टफोन की खूबियों की बात करूं तो इसके अंदर आपको बिग डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि लगभग 7 इंच के आसपास है। इसके साथ ही बिग बैटरी भी देखने को मिलती है जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। और इसके साथ ही इसके अंदर आपको G85 चिपसेट देखने को मिलता है,
यानी कि आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको चिपसेट के साथ साथ डिस्प्ले और बैटरी भी काफी बड़ी देखने को मिलती है। और दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इनको परचेज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।